एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता है हमने 5000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की है और मैंने पहली क्लास आपको दे दी है आज ये दूसरी क्लास है और आपके सभी के कमेंट मैंने देखा बहुत अच्छा लगा आपने अपना अपना सुझाव दिया और उन सुझाव पे भी मैं चलूँगा आपका कहना था कि जी आवाज़ कम आती है थोड़ी तो भाई आज आवाज़ मेरे हिसाब से एकदम ओके होगी आवाज़ में आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छा दूसरी बात ये थी कुछे का कहना था कि जी पचास क्वेश्चन ही करवा दो सौ ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन करवाओ उनको डिटेल से तो आज इस बात पे भी ध्यान होगा आवाज पे भी आपकी दोनों बातें सुन ली गई है और भी कोई कमी लगे तो ज़रूर कमेंट में करके बताना अच्छा पीछे लास्ट टाइम में क्वेश्चन जो वीडियो थी उसमें आपने क्वेश्चन था दिलवाड़ा जैन मंदिर वाला तो जी उसका आंसर मैंने मध्य प्रदेश बता दिया था तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है राजस्थान में उसको ठीक कर लेना एक क्वेश्चन क्या था कि शिव समुंद्रम जलप्रपात कहाँ है कावेरी नदी उसका आंसर ठीक था अच्छा उसके अलावा आप उसमें जो ये शिव समुंद्रम जलप्रपात था ये जलप्रपात बात करें तो कर्नाटक में है जी ठीक है बाकी एकदम ओके है आज हम पढ़ते हैं एक सौ एक से लेकर आगे संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था जब संविधान बना तब इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था शाबाश बताइए आंसर जी बहुत बढ़िया जिन जिन का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समाजवाद तो जी बिल्कुल ये शब्द नहीं था ये बात करें समानता था न्याय था स्वतंत्रता था तो ये समाजवाद है अखंडता है और धर्मनिरपेक्ष है ये आप सभी को पता है एक संवैधानिक संशोधन हुआ था कब हुआ था 1976 में हुआ था तब ये जोड़े गए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है तो जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और ये आया हुआ ये एसएससी में इस क्लास में जितने क्वेश्चन हैं वो लगभग लगभग एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है तो जी बिल्कुल आर्टिकल एक में अनुच्छेद एक में ये बात वर्णन किया गया है दो में राज्यों से संबंधित है लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है इनमें तीन में राज्यों की सीमा निर्धारण करना बात कही गई है ठीक है जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उन्नीस में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो कितने राज्यों का हुआ था आपके सामने ऑप्शन है सभी के सभी कमेंट कीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेल डन वेल डन भाई ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जिन जिन का आंसर आ रहा है सी यानी चौदह राज्य और छह संघ राज्य ठीक है इतनों का उन्नीस में जो पुनर्गठन हुआ अधिनियम के तहत तो उन्नीस के याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन भारतीय संघवाद निकट है बताइए भारतीय संघवाद निकट है कहने का मतलब कि भारत के संविधान में संघवाद शब्द कहाँ से लिया गया है तो जी कनाडा से जैसे संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है अच्छा अपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से है ठीक है मौलिक अधिकार यहाँ से हैं इसके अलावा ब्रिटेन से एक कल नागरिकता है संसदीय जो है प्रणाली वो भी ब्रिटेन से है तो ये क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित आगे चलते हैं जी कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे तो जी कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे बिल्कुल फास्ट पढ़ेंगे एकदम तीन सदस्य थे कौन कौन एक तो लॉरेंस था क्या नाम था लॉरेंस अच्छा जी ठीक है लॉरेंस अच्छा इसके अलावा हम बात करें एक अपने अलेक्जेंडर था क्या नाम था अलेक्जेंडर और एक क्रिप्स था क्या नाम था क्रिप्स तो ये जी ये कितने हो गए तीन हो गए तीनों थे इसमें जो लॉरेंस था ना ये इनका सचिव था ओके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है स्थानीय सरकारें आधार है यानी जो स्थानीय सरकार है वो किस पे आधारित है अभिजात तंत्र का धर्मनिरपेक्ष का लोकतंत्र का आरक्षण का जी बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा सी जो स्थानीय सरकारें हैं वो लोकतंत्र का है ठीक है भाई लोकतंत्र पे आधारित है आगे चलते हैं स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है यानी वो प्रणाली बतानी आपको जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार है उसके विपरीत है बताइए कौन सी विपरीत है जी देखो दलीय प्रणाली ये तो चली रही है संसदीय प्रणाली है आर्थिक प्रणाली है अलग क्या है जातीय व्यवस्था ठीक है ये बात करें लोकतंत्र के जो वास्तविक आधार है उसके विपरीत है जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए जी बिल्कुल शहबाज मैं बता देता हूँ ये जो मौलिक अधिकार है उन्हीं में स्वतंत्रता का अधिकार है और मौलिक अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है अमेरिका से लिए गए हैं भाग तीन में है और भाग तीन को मेघना कार्टा कहते हैं ठीक है, है भाई हाँ और इसमें बात करें हमें समानता का आता है चौदह से अठारह उसके बाद स्वतंत्रता का आता है तो बताइए उन्नीस से लेकर कितना आएगा हाँ जी हाँ जी कीजिए कमेंट वेरी गुड वेल्डन डन सी आंसर आएगा 19 से बात करें 22 तक और 23 और 24 में है वो बात करे शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है ठीक है जी इस तरह से आपको ये सभी के सभी पता होना चाहिए उसके बाद में पच्चीस से 28 है अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बाद में अपने अट्ठा जो उनतीस तीस है उसमें शिक्षा का या शैक्षणिक अधिकार है ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है निजी स्वतंत्रता का अधिकार बताइए इनमें से कौन सा है तो जी निजी स्वतंत्रता का अधिकार है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण ठीक है अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया बिना रीजन कारण ठीक है तो उसे ये आज़ादी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सहारा ले सकता है या उसके कोई रिश्तेदार है वो भी जाके कर वहाँ बोल सकते हैं क्योंकि निजी स्वतंत्रता है उसको बात करें ऐसे बंदी बना के नहीं रखा जा सकता आगे चलें उसके बाद क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है तो भाई ये अवैध वाली वही बात आ गई ना ठीक है बंदी प्रत्यक्षीकरण तो भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण ही होता है अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से जारी की जाती है रीट ठीक है भाई आर्टिकल इसमें बत्तीस में वन नाइन चीज होगा आगे स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब कब जीता था या स्वतंत्र भारत का जिक्र हो रहा है जी तो बताइए वेल्डन well बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर दीजिए शाबाश शाबाश जिन जिन का आंसर आ रहा है उन्नीस उन सभी का सही है देखो ओलंपिक में भारत का पहली बार सिलेक्शन हॉकी टीम का हुआ था उन्नीस में यहाँ भारत ने अपना भाग 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 भाग, भाग लेना शुरू किया उसके बाद अट्ठाईस से लेकर छप्पन तक लगातार भारत ने हॉकी में छः गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक कितने जीते थे लगातार छः रिकॉर्ड बनाया अट्ठाईस से छपन तक तो स्वतंत्र भारत का कब आएगा अड़तालीस में आएगा चार चार जोड़ते जाएंगे चार साल बाद होता है किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है बताइए किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है आइडिया लगाइए कहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहीं पे उनके सदस्य भी ज़्यादा चुन के जाते होंगे चीन में ठीक है कहाँ पे चाइना में जी बिल्कुल आंसर राइट रहेगा चाइना लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पुराने हैं वो बेल आइकन और शेयरिंग का काम जरूर करना क्लास एंड होने के बाद आगे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कल समाप्त हुआ था तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध यानी जब ये युद्ध तो हुआ था पाकिस्तान के साथ लेकिन बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए तो हुआ था उन्नीस में इंदिरा गांधी के समय तो जी बिल्कुल आंसर डी रहेगा 16 दिसंबर उन्नीस को ओके जी आगे चलते हैं उसके बाद में है किस राज्य का गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है यानी गमछा है वो सांस्कृतिक प्रतीक है कहाँ का तो जी असम का असम का गमछा ठीक है बिल्कुल याद रहे गमछा गम गम का होता है गम होता है तो हम चाय पीते हैं क्या पीते हैं चाय पीते हैं गम होता है चाय पीते हैं चाय का की मशहूर है असम की है आगे चलते हैं बाकी गम होने पे कुछ और भी पीते होंगे भाई ठीक है लेकिन है, चाय उचित रहेगी भारत में चौबीस जनवरी को किस दिवस आ, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है चौबीस जनवरी को बताइए ऑप्शन आपके सामने है, चारों के चारों वेरी गुड आंसर दीजिए बहुत बहुत बढ़िया जितने भी लाइव चल रहे हैं आप सभी को बता दूं आपको डेली क्लास टाइमिंग है नौ बजे ए एम और शाम को नाइन पी एम आपके सामने लाइव क्लास होती है हरियाणा जी के की सुबह इंडिया जी के की तो बिल्कुल जी राष्ट्रीय बालिका दिवस ठीक है जिस तरह किसान दिवस आए तो आपको तेईस दिसंबर याद करना है किसान दिवस में क्या याद करना है तेईस दिसंबर याद करना है तो यहाँ लिख देता हूँ किसान दिवस तेईस दिसंबर को उसके अलावा मतदान दिवस पच्चीस जनवरी को कब मनाया जाता है पच्चीस जनवरी राष्ट्रीय कृषि दिवस और किसान दिवस एक ही बात है ओके जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है चेरी पिंकिंग शब्द किस खेल से में उपयोग किया जाता है जो चेरी पिंकिंग जो है शब्द वो इनमें से कौन सा खेल है जिसमें यूज़ किया जाता है बिल्कुल क्रिकेट में तो नहीं है जी नहीं है तो ये तीन ऑप्शन में होगा हाँ जी बिल्कुल तो ए बास्केटबॉल राइट आंसर रहेगा चेरी पिंकिंग जो है शब्द वो बास्केटबॉल में यूज होता है अगला क्वेश्चन पे चले विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे तो विजय हजारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे सभी को पता है विजय हजारे ट्रॉफी भी है है ना एक ट्रॉफी भी है तो विजय हजारे बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है किससे है क्रिकेट से विजय हजारे ऐसे भारत के पहले खिलाड़ी थे जिनकी कप्तानी में बात करें जिनकी बदौलत से जो अपना टेस्ट मैच हुआ था याद रहे भारत ने पहले टेस्ट मैच में यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट मैच ठीक है पहले टेस्ट मैच में जो बात करें जीत हासिल की थी वो विजय हजारे ने ही जीत हासिल करवाई थी बिल्कुल आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम किस पर किस वर्ष पारित हुआ बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित हुआ ऑप्शन आपके सामने चारों के चारों दिए हुए हैं जी बिल्कुल जिन जिन का आंसर आ रहा है वन नाइन फोर नाइन उनका सभी का राइट है यानी उन्नीस सौ उनचास में बैंकिंग अधिनियम ओके जी याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है खजुराहो मंदिर किस राज्य में है तो खजुराहो मंदिर जिसे नंदी मंदिर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं नंदी मंदिर भी बोलते हैं तो जी ये कहाँ है मध्य प्रदेश नंदी नामक स्थान मध्य प्रदेश में है यहाँ पे भगवान शिव शिव के सामने आगे बात करें नंदी मतलब अपने गाय के भी के मूर्ति बनाई गई है तो ये कहाँ रहेगा मध्य प्रदेश में आगे इसके बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछा है आपसे तो आंसर क्या आएगा बिल्कुल जी लीला सेठ ये कोर्ट की है दिल्ली हाई कोर्ट की अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट की पूछा जाता तो आंसर क्या था फातिमा बेबी ये सुप्रीम कोर्ट की थी ओके जी आगे ले क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूँ एकदम भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है किस राज्य में है बिल्कुल जी राइट आंसर है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है आप मेरे को बताओगे कि उत्तर प्रदेश का उस रेलवे स्टेशन का नाम जिसकी लंबाई रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई सबसे अधिक है विश्व में सबसे लंबा प्लेटफार्म जो कि बात करें लगभग तेरह सौ मीटर का है तो ठीक है तो वहाँ पे आप मेरे को बताओगे कि वो जो है उस स्टेशन का नाम क्या है बिल्कुल जी यूपी के अंदर पड़ता है पेड़ों की प्रसिद्ध जो पेड़ होते हैं उनकी प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है बताइए इनमें से सुंदरी नामक की जो पेड़ की प्रजाति है वो पाई जाती है किस चीज़ में कौन से वन में पाई जाती है जी बिल्कुल जिन जिन का आंसर आ रहा है सी उनका राइट है ठीक है मेघराव वन ये जो वन है मेघराव वन यहाँ पर सुंदरी प्रकार की प्रजाति पाई जाती है ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में है कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में अगले क्वेश्चन पे चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया चैलेंज ये पुस्तक है किसकी पुस्तक है बताइए सौरभ गांगुली सचिन तेंदुलकर आशीष रे नरोत्तम पुरी तो बिल्कुल जी जिन जिन का आंसर आ रहा है जी बिल्कुल जी बर, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड सी आंसर आ रहा है उनका सभी का राइट है आशीष रे आशीष रे ने पुस्तक लिखी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया चैलेंज ओके जी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो बिल्कुल जी सिंपल क्वेश्चन कहाँ रहेगा उत्तराखंड में उत्तराखंड में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अगले क्वेश्चन पे चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा गया था गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको किस नाम से पुकारा गया उनका क्या नाम दिया गया जी बिल्कुल जिन जिन का आ रहा है दिनार उन सभी का राइट है क्या नाम दिया गया था दिनार नाम है, दिया गया था कमेंट बॉक्स में बताओगे दिनार किस देश की बात करें मुद्रा है अभी वर्तमान में अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा गहिर माथा गहिर माथा अभ्यारण्य कहाँ है उड़ीसा में है किसके लिए प्रसिद्ध है एकमात्र है ये जो इन ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल बताइए शाबाश शाबाश वेरी गुड वेरी गुड हाथी के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए केरल में है ठीक है बिल्कुल पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है तो बताइए ये नहीं आएगा ऑप्शन काट दिया शाबाश जी बिल्कुल ये आएगा इसका कछुआ हिरण के लिए तो बहुत सारे हैं मगरमच्छ के लिए भी बहुत सारे हैं ठीक है कछुए के लिए एकमात्र पूरे भारत में उड़ीसा में गहिर माथा अभियान है ओके जी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था या किसने पेश किया था बताइए पंचशील का जो आइडिया था किसका था बिल्कुल जी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील समझौता कब हुआ 1954 में किसके साथ हुआ चाइना के साथ पंचशील नाम क्यों दिया गया पांच मुद्दों पे हुआ शांति को कायम रखने के लिए मुद्दे क्या थे यही कि इसी स्पायर का उल्लंघन नहीं करेंगे शांति बनाए रखेंगे एक दूसरे के कामों में दखलबाजी नहीं करेंगे ये चीज़ें इस तरह के मुद्दे पांच थे इसमें क्या था कि जो पंसिल समझौता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध धर्म में जो पाँच सिद्धांत दिए गए थे ना आपको पता होगा चोरी नहीं करना ठीक है और जो जितने भी लो उसमें दिया गया था झूठ नहीं बोलना सदा सत्य बोलना ये चीज़ें हैं तो मतलब ये उनको आधार रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने सोचा ने 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 कि पंचशील एक पांच आधार पे समझौता किया जाए ठीक है तो पूछा जा सकता किस पे आधारित था तो बौद्ध धर्म के आगे शिमला समझौता कब हुआ जी बिल्कुल बताइए शिमला शिमला में देखो से सहदे वाला है तो बेहतर में हुआ था ठीक है इसके अलावा इससे पहले उन्नीस में ताजगंज समझौता हुआ था ताशकंद समझौता शिमला समझौता ये दोनों समझौते पाकिस्तान के साथ हैं किसके साथ हैं पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान और जो पीछे वाला ताज जो पंचशील था वो चाइना के साथ था ठीक है अभी हाँ और चाइना का उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो चाऊ नाम के थे क्या नाम था यहाँ लिख देता हूँ नाम है चाऊ ठीक है ये लीजिए चाऊ तो इस तरह के होते हैं चाऊ पाऊ चाइना के तो बिल्कुल आगे चलते हैं इसके बाद में हाल ही में लड़कियों की उम्र बढ़ाकर कितनी करने का विचार किया जा रहा है एक कमेटी बनाई है वो विचार करेगी कि लड़कियों की शादी की उम्र है क्या आएगा यहाँ पे शादी आएगा लड़कियों की शादी की उम्र जो भी अट्ठारह है लड़कों की इक्कीस है तो लड़कियों की बढ़ाई जाए कितनी की जाए इक्कीस ही की जाए तो कह रहे हैं जिक्र चल रहा है अभी कि इक्कीस कि कर दी जाएगी तो भाई इक्कीस कर दी जाएगी देख लो लड़कियों के लिए एक सुनहरा मौका भी होगा कामयाब होने के लिए ठीक है क्योंकि शादी जब कम उम्र में हो जाती है तो आगे पढ़ाई ज़्यादा मतलब नहीं हो पाती जिस वजह से लड़कियां क्या है बेचारी पीछे रह जाती है तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा इक्कीस साल अगर उम्र कर दी जाती है विचार चल रहा है अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम ये अगला क्वेश्चन हिंदू विवाह अधिनियम कौन सा था हिंदू विवाह अधिनियम कौन सा किस वर्ष पारित हुआ था जी बिल्कुल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो जो हिंदू से संबंधित है कि दूसरा विवाह नहीं करवा सकते जब तक तलाक नहीं देंगे तो इस तरह की कई शर्तें रखी गई 1955 अधिनियम में अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है क्वेश्चन है मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है जो मंडल आयोग रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है आपने कहा था जी ई मत दीजिए क्वेश्चन ठीक है तो भाई अब ई नहीं है पर्सन ठीक है अब आपका फर्ज है मैं आपके कहने पर पर्सन अच्छे लेवल का लेके आया आपके कहने पे सौ के बजाय पचास किए आपके पे कहने पर माइक लगा के स्पेशल माइक लिया और उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है तो अब आपका फर्ज क्या है जी बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठीक है और पढ़ाई सबसे पहले जी बिल्कुल तो इसका आंसर क्या होगा अन्य पिछड़े वर्गों से मंडल आयोग का संबंध किससे है अन्य पिछड़े वर्गों से बिल्कुल जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक नंबर वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है यानी वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है कौन होता है कि छोड़ दो आप बताइए प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ए के सिंह वाई वी रेड्डी बताइए शाहबाज तो जी क्या आएगा एन के सिंह जो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है पंद्रमा वित्त आयोग पंद्रवे वित्त आयोग के कौन है एन के सिंह पंद्रवें वित्त आयोग का काल क्या है दो हजार है। अपने बात करें पंद्रह से लेकर है बीस तक ठीक है अच्छा चौदह के कौन थे वाई वी रेड्डी ओके जी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है तो अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है बताइए चारों ऑप्शनों में से कहाँ पे भारी वर्षा होती है बिल्कुल जी कोरोमंडल तट पर ठीक है कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर माह में ठीक है जी कोरोमंडल तट ये कोरोमंडल तट कहाँ है तो जी ये कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु से लेकर इस साइड में पड़ती है इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं ओके जी ये तमिलनाडु हो गया भारत दक्षिण भारत है यहाँ वाले इस एरिए में आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत की जलवायु है बताइए भारत की जलवायु किस प्रकार की है जी बिल्कुल चारों ऑप्शन आपके सामने है शाहबाज जी श्याबाज स्पीड इतनी बढ़ा रखी है मैंने कि आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल मानसून यानी मानसूनी प्रकार की है मानसून पे डिपेंड करती है भारत की पूरी जलवायु ठीक है भाई हरियाणा की कैसी है तो हरियाणा की महाद्वीपीय है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी यानी ये उत्तर हो गया और ये बात करें हम पूर्व हो गया इस साइड में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ठीक है मानसून से इधर से मानसून आएगी तो तो बताइए कहाँ होगी तो जी बिल्कुल तमिलनाडु में नीचे नीचे जो तमिलनाडु है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से और याद रहे लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है तो जी तमिलनाडु में होती है अगर आपसे पूछा जाए चाय चाय के उत्पादन में दक्षिण भारत का राज्य बताइए तो तमिलनाडु चाय के उत्पादन में सीधा पूछे तो आएगा असम और दक्षिण भारत में पूछे चाय तो कहाँ तमिलनाडु ओके जी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोहार नदमुख बनाती है जोहार नदमुख देखिए मैंने आपको तरीका बताया था कि इस साइड में बंगाल की खाड़ी है इस साइड में अरब सागर है ठीक है ये दक्षिण भारत है इधर नदी गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी इधर गिरेगी वो एंचुरी बनाएगी इसी को जवाहर नदमुख बोलते हैं चलो आपको समस्या आई तो आप ये तो इसमें छाट लो ना कि का, नर्मदा कहाँ गिरती है नर्मदा इस साइड गिरती है ठीक है जी अच्छा और कावेरी कावेरी इस साइड गिरती है बंगाल की खड़ी में कृष्णा भी इधर गिरती है महानदी भी इधर गिरती है तो अकेली साइड वाली नदी कौन सी रही नर्मदा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन में आप वो आप पे डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है आप पे किस प्रकार का दबाव है वो डिपेंड करता है किस तरह हैंडल करते हो क्वेश्चन को सतपुड़ा और विद्या विद्यांचल के बीच जो पहाड़ पर्वत है इनके बीच में यानी ये हो गया विद्यांचल ये हो गया सतपुड़ा इनके बीच में जो नदी है वो कौन सी है शाबाश बताइए इनमें से जी बिल्कुल जिन जिन आंसर आ रहा है डी नर्मदा ये नर्मदा नदी के बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है इसके बात करें हम तो इसके ऊपर तो है नर्मदा ठीक है देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें इसको साफ करके देखो अभी समझाता हूँ ये आपके सामने है अपने क्या विद्यांचल पर्वत और ये क्या है सतपुड़ा की पहाड़ी ठीक है ये सतपुड़ा की पहाड़ी इनके बीच में कौन सी नदी है नर्मदा नदी है ठीक है यह काम ओके उसके बाद में एक ताप्ती नदी है वो यहाँ बहती है ठीक है एग्जाम में आ जाए कि आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच में नर्मदा और ताप्ती के बीच में ओके जी दोनों ही नदियाँ कहाँ गिरती है जो हर नदमुख बनाती है अरब सागर में गिरती है आगे अगला क्वेश्चन अत्यधिक मंदी का किस काल में आई थी बहुत ज़्यादा मंदी किस काल में आई थी बताइए शाबाश बहुत बढ़िया वेल डन आंसर दीजिए लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद है भाई और अनलाइक करने वालों का भाई टाइम निकाला उनका भी धन्यवाद है तो बताइए शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेल डन वेल डन शाबाश आंसर क्या आएगा उन्नीस से लेकर चौंतीस तक महामंदी आई थी इन चार पाँच सालों के बीच में अगले क्वेश्चन पे चले अगला क्वेश्चन है घटिया वस्तु के लिए मांग मांग है ठीक है घटिया वस्तुओं के लिए मांग है ये मांग ही है आगे बताना है आपको घटिया वस्तुओं के लिए मांग है जब कीमत बढ़ती है आय बढ़ती है कीमत घटती है आय घटती है बताइए शाबाश समझ नहीं आ रहा प्रश्न समझाता हूँ देखो जब मान लो इसका आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूँ आय बढ़ती है देखो कोई घटिया वस्तु है ये रही ठीक है घटिया वस्तु मान लेते हैं कि फ़ोन है ये फ़ोन है अपने बात करें कोई नॉर्मल सा जो भी है इतना ज़्यादा मतलब हैंग हो जाता है और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है घटिया सा फ़ोन है तो हम हमारे पास पैसे कम होंगे तो हम यही खरीदेंगे ना घटिया वाला अच्छा अगर पैसे हमारे पास आए बढ़ जाएगी इनकम बढ़ जाएगी अपनी सैलरी डबल हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे ऊपर वाले आईफोन पे जाएंगे तो क्या है आय बढ़ेगी तब घटिया वस्तु की मांग है घटिया वस्तु की मांग है तब देखो घटिया वस्तु के लिए मांग है जब आय बढ़ती है आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु को लोग छोड़ देते हैं बिल्कुल जी इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा आगे राजकोषीय नीति का संबंध है किससे है राजकोषीय नीति बताइए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं राजकोषीय नीति का शाबाश आंसर होगा डी बिल्कुल यानी बात करें सरकार की आय और व्यय से है राजकोषीय जो है वो सरकार की कितनी आय हुई कितना खर्चा हुआ उससे संबंधित एक राजकोषीय नीति बनाई गई है ठीक है जी अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है उत्पादन के कारक कितने हैं बताइए शाहबास उत्पादन के कारक कितने हैं वेल्डन वेल्डन आंसर दीजिए उत्पादन के कितने कारक हैं बिल्कुल उत्पादन के टोटल हम बात करें आठ कारक हैं कितने कारक हैं आठ कारक हैं उत्पादन के कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना आपके लिए तीसरा प्रश्न आज का ये रहेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है इनमें से कौन सा डायरेक्ट कर है सीधा बात करें व्यक्ति की जेब पे प्रभाव पड़ता है तो मनोरंजन कर से तो नहीं पड़ता बिक्री कर से भी नहीं पड़ता उत्पादन से भी नहीं पड़ता इन इनपे थोड़ा थोड़ा सभी पे पड़ता है लेकिन आयकर है इसका डायरेक्ट एक व्यक्ति की जेब पे प्रभाव पड़ता है ये प्रत्यक्ष कर है अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्यों द्वारा लगाया जाता है इनमें से कौन सा कर है जो केवल राज्य सरकार ही लगाती है बाकी है वो केंद्र गवर्नमेंट सरकार लगाती है बताइए संपत्ति कर आयकर और निगम कर ये तीनों है ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के द्वारा केवल मनोरंजन कर होता है मनोरंजन कर जो है वो राज्य के द्वारा लगाया जाता है अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन क्या कहता है इनमें से कौन सा सारक का सदस्य नहीं है बताइए इनमें से कौन सा सारक का सदस्य नहीं है मैं आपको बता दूं सारक जो है उसे बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन ठीक है यानी एस से क्या बनेगा साउथ और ए से क्या बनेगा एशियन और ए से फिर क्या बनेगा एसोसिएशन और उसके बाद में हम बात करें आर सारक आर से क्या बनेगा रीजनल और अपने उसके बाद सी आ गया तो सी से क्या बनेगा कॉरपोरेशन ठीक है ये होता है सारक तो इसका बात करें हम सारक की तो इसका सदस्य देश म्यांमार नहीं है सारक में हम बात कर लो मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ जैसे सारक की स्थापना 8 दिसंबर उन्नीस को हुई थी कब हुई थी उन्नीस सौ पिचासी आठ दिसंबर को इसकी स्थापना हुई इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है जी आठ देश कौन कौन से है भारत है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है भारत का पड़ोसी श्रीलंका है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी नेपाल भूटान है भारत का पड़ोसी मालदीप और अफगानिस्तान है ठीक है लेकिन भारत का पड़ोसी म्यांमार देश इसमें शामिल नहीं है ठीक है जी याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सारक का पहला सम्मेलन हुआ था ना वो भी उन्नीस में जब स्थापना हुई तब ढाका में हुआ था लेकिन इसकी जो बात करें मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है आगे चले अगले क्वेश्चन पे आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है शाबाश बताइए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है आपके सामने ऑप्शन है दिए हुए हैं जी बिल्कुल ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ रहेगा हाँ जी ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ब्रिक्स बी आर आई सी एस ठीक है ब्रिक्स बताइए शहबास इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है याद रहे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका बिना जो मां बात करें ब्रिक्स की इनका कोई मुख्यालय नहीं है ऐसा एकमात्र या एक कोई और होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आने वाले एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी इनको आप अच्छे से लिख लिया करो और इनकी पीडीएफ के लिए बता दूं मैं आपको पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वा है वहाँ पर इसकी पी मिल जाएगी एक से सौ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जी का सदस्य नहीं है बताइए इनमें से कौन सा जी का सदस्य नहीं है वेरी गुड बांग्लादेश जी ट्वेंटी का सदस्य नहीं है आपको बता दूं जी ट्वेंटी इसकी स्थापना उन्नीस सौ निन्यानवे में हुई थी कब हुई थी उन्नीस सौ में जी ट्वेंटी की स्थापना हुई ठीक है इसमें बात करें, 20 देश है, है? लेकिन बांग्लादेश है? नहीं है इसमें उन्नीस देश और यूरोपीय संघ शामिल है और यूरोपीय संघ है, है वो शामिल टोटल बीस हो जाते हैं ठीक है ये आपको याद करना है अगला क्वेश्चन भारत सदस्य नहीं है बताइए इनमें से तीन का सदस्य और एक का भारत सदस्य नहीं है शाबाश सो दीजिए बहुत बढ़िया जी एट बिल्कुल जी जी एट आपसे पूछे कि भारत का भारत सदस्य नहीं है इनमें से जी बिल्कुल राइट बात है राइट राइट एट एट इस तरह करके जी एट याद करना है ठीक है जी एट का सदस्य भारत नहीं है जी एट में कौन कौन से आठ देश है फ्रांस हो गया जर्मनी हो गया इटली हो गया जापान हो गया यूके हो गया और कौन सा बच गया रूस बच गया और एक यूएसए हो गया और बचा लास्ट में कनाडा ठीक है ये देश है जो आपको याद करने हैं जी बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था शाहबाज आंसर दीजिए बहुत बढ़िया जी बिल्कुल तो ये भारत के दौरे पे 1950, इन में आया था तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए उस समय कौन थे तो जी ये डी डी आइजनर आइजन हावर थे ओके जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है, है? मानव पर्यावरण सम्मेलन उन्नीस सौ बहत्तर में कहा हुआ एग्जाम में आए मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ बेहतर में हुआ देखो एक पर्सन में दो से तीन पर्सन आ रहे हैं कई बच गए तो पाँच बता रहा हूँ स्टोक होम में बिल्कुल जी कहाँ हुआ था स्टोक होम में याद रहे मानव पर्यावरण सम्मेलन उन्नीस सौ बहत्तर में कहा हुआ था स्टोक होम में हुआ था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पाँच से सोलह जून के बीच में संपन्न हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है मानव पर्यावरण को बढ़ाने के लिए ये स्टॉक होम में संपन्न किया गया था अगले क्वेश्चन पे चलें अगला क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन आज का निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है बताइए इनमें से कौन सा मुख्यालय जिनेवा में नहीं है बिल्कुल जी इनका मुख्यालय इनमें से एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है ये आपको बताना है बिल्कुल बिल्कुल जिन जिनका आंसर आ रहा है डी उन सभी का राइट है इसका मुख्यालय जनेवा में नहीं होकर कनाडा में है कनाडा में एक स्थान है कौन सा स्थान रहेगा मोंटी यहाँ लिख देता हूँ इसको रफ करते हैं यहाँ मोंटी शहर का नाम है मोंटी ट्रेल ठीक है ये कनाडा में है यहां पे है इसका मुख्यालय ठीक है तो इस तरह से हमने आज पचास क्वेश्चन किए अब आपका काम है आज फुल शेयर करना लाइक करना और अधिक से अधिक जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लो ये आइकन का इस तरह निशान मिलेगा और इस तरह ये होते ही ओके हो जाएगा जब ऊपर बेल आइकन के इस तरह से हो चुका है ना तो मतलब क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और धन्यवाद अगली क्लास में मिलते हैं पी के लिए टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ जाइए आपके सामने स्क्रीन पर जो क्लास दिखाई दे रही है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो यहाँ पिछली क्लास ऊपर दी हुई है यहाँ क्लिक कर लीजिए गुड बाय राम राम नमस्ते